वेलकम टू टेस्टी खजाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा और आज मैं बनाऊंगी चुकंदर, गाजर, पालक, आंवला और पुदीने का एक टेस्टी जूस। ये जूस घर पे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। यही जूस अगर हम मार्केट में जाते हैं तो बच्चों को अगर हम बोलते हैं पीने के लिए तो वो देखते ही मना कर देते हैं कि हमें चुकंदर का जूस नहीं पीना, लेकिन आज हम घर पर ये बहुत ही टेस्टी जूस बनाएंगे। तो ये देखिए, 5 आंवला है। आंवला जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, 5-6 कर सकते हैं। इसके बीज को मैंने अलग कर दिया है। ये 50 से 60 ग्राम के करीब पालक है और ये 8-10 डंठल पुदीने के हैं और ये एक बड़े साइज़ का चुकंदर है। 1/2 किलो गाजर है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा या कम कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। तो ये देखिए, ये मैंने पहले ही जूसर को सेट कर लिया है। अब फटाफट से जूस निकाल लेते हैं। इस तरह से ये मैंने गाजर को पहले ही सारी चीज़ों को अच्छे से 5 से 6 बार धो लिया था और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाते हैं और बहुत ही इजी होता है। हम घर पे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत सारी चीज़ें गंदी हो जाएंगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं। आप फटाफट से सारे जूसेस निकालने के बाद इसे नल को प्रेशर के साथ नल से इसे साफ़ कर दीजिए। फटाफट से ये सारी चीज़ें साफ़ भी हो जाएंगी और घर पे हम बिल्कुल फ्रेश जूस तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, ये चुकंदर है। ये चुकंदर या गाजर कोई दोनों में से कोई भी अगर मोटी हो तो उसे कट करके ही डालें ताकि ये इजी हो निकालने में, जूस को निकालने में आसानी हो। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने सारा जूस निकल गया है हमारा। और ये यहाँ पे मैंने सेंधा नमक लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे सेंधा नमक डालूंगी। आप इसकी जगह पे काला नमक भी डाल सकते हैं। तो इसे हम अपने टेस्ट के हिसाब से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी जूस है और ख़ासतौर से बच्चे कोई भी जूस पसंद नहीं करते हैं। इस तरह का जूस तो बिल्कुल देखते ही मना कर देंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से ये जूस को उन्हें देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप भी एक बार से ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।